कि जितना काम किया गया है, जो योजना बनाई गई और उसके हिसाब से अलग अलग जगहों पर जो काम हुआ उसको देखना और आगे और क्या करना चाहिए उसको समझना, कहीं कोई कमी है तो उसको देखना। और इस सिलसिले में बहुत भारी संख्या में लोग रहते हैं, कोई चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है ना, इसीलिए हम घूम रहे हैं कि भाई वो लोग अपना कागज़ भी देता है, फिर बैठ के बगल में हम सब सुनते हैं, तो मेरा मकसद है। लेकिन समस्या जो आती है सामने और तुरंत ध्यान में रख करके तुरंत हम बात करते हैं, कि मकसद ही भी है कि खाली अपना अच्छा काम के वही देख के लौटना हमको नहीं है। असली चीज़ है कि कोई कमी है या किसी को कोई तंग किया है, कोई दिक्कत किया है, सबको पूरा बात जानना। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान आज किशनगंज पहुंचे और वहां पर उन्होंने जीविका दीदियों से मुलाकात की, और इतना ही नहीं जितने भी विकास की योजना थे उनका भी उन्होंने जायजा लिया है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से किशनगंज पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार, जीविका दीदी से मिल रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद सिर्फ हमारे विकास कार्य को देखकर चले जाना नहीं है, बल्कि जो समस्या आ रही है उसका तुरंत समाधान करना भी है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, सुनिए। ये आप लोगों को तो पता ही है ना कि मेरा ये जो है इस बार की यात्रा जो है, तो इसका मकसद यही है कि जितना काम किया गया है, जो योजना बनाई गई और उसके हिसाब से अलग अलग जगहों पर जो काम हुआ उसको देखना और आगे और क्या करना चाहिए उसको समझना, कहीं कोई कमी है तो उसको देखना। और इस सिलसिले में बहुत भारी संख्या में लोग रहते हैं, तो उनकी कोई समस्या को सुनते हैं, एक एक बात को हम सुनते हैं। और जो काम हो रहा है वो तो अच्छा काम हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है ना, इसीलिए हम घूम रहे हैं कि भाई वो लोग अपना कागज़ भी देता है, फिर बैठ के बगल में हम सब सुनते हैं, ताकि उसकी समस्या को जाने। अधिकारियों को हम तुरंत कह देते हैं कि भाई इन लोगों की बात को तुरंत देखिए, कितने मामलों में डीएम को, एसपी को, सबको, या फिर जो हमारे साथ आए हुए वरीय अधिकारी हैं उन लोगों को हम देख लिख करके इसको तुरंत देखिए। ये काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, काम तो बहुत अच्छा हो रहा है। और आप लोगों को मालूम न है भाई, हम जरा सा आज से शुरू कर रहे हैं यहाँ, अरे 2009 से ना हम कितना जगह किए, कितना काम करवाए, तो ये बीच में कोरोना वरोना का चक्कर आ गया तो अलग बात है। आप फिर इस बार हम सोच करके चले हैं कि भाई हम इस बार का यात्रा करेंगे, देखेंगे, मुझको बड़ी खुशी हो रही है। और जो लोग भी अपना ये सब बाकी काम या जीविका दीदियों को इतना बनाया, सब देख रहे हैं उसकी पढ़ रहा है ना, कितनी कैसी स्थिति आ रही है, नई टेक्नोलॉजी तो बोलने लगी सब, हाँ नहीं सब तो सब बात है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि आप जरा सोचिए, हम तो चाहते हैं खूब आगे ना बढ़े भाई, परिवार बेहतर हो जाएगा, पहले नहीं था, तो सब चीज़ को देखना इन लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए तो हम घूम ही रहे हैं, तो मेरा मकसद है। लेकिन समस्या जो आती है सामने और तुरंत ध्यान में रख करके तुरंत हम बात करते हैं, कि मकसद ही भी है कि खाली अपना अच्छा काम के वही देख के लौटना हमको नहीं है। असली चीज़ है कि कोई कमी है या किसी को कोई तंग किया है, कोई दिक्कत किया है, सबको पूरा बात जानना। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं सर ज़्यादातर? हाँ, कोई भी कहता है, एक कोई स्पेसिफिक नहीं है, किसी के साथ किसी भी तरह की समस्या हो देखना जरूरी है ना, कि कहीं भी देख कर किसान का क्या स्वागत दे रहे हैं सर, किसान का क्या स्वागत है? हमारा स्वागत तो सब दिन के लिए है, और हम हमेशा आप जान रहे हैं सर, जिला में एम्स का मांग हो रहा है। अरे भाई तक कर सोच रहा है तो हम करवे नहीं करेंगे सर, चिंता का क्लिक सर, बंगाल में जो भी कैसा कैसा है ये हम लोग करवाए रोड सर, बंगाल में जो भी क्या चीज रोड से लेकर के एक चीज और जो भी है कर सोच रहा है तो हम करवे नहीं करेंगे सर, चिंता का क्लिक सर, बंगाल में जो भी कैसा कैसा है ये हम लोग करवाए रोड सर, बंगाल में जो भी क्या चीज रोड से लेकर के एक चीज और जो भी एग्रीकल्चर का जो हम बनवाए कैसा सुंदर बनवाए, कैसे आपको जा करके पार्लियामेंट में अडानी को बंगाल में जो भी क्राइम होता है सर, पुलिस पार्लियामेंट में अडानी बिहार से जाके आदमी क्राइम करके आते हैं सर, ऐसे इस बारे में क्या बोलेंगे? कहाँ के बारे में? बंगाल में सर जो भी क्राइम होते हैं वो पुलिस बोलता है। तो एक एक तरह से हम लोग अलर्ट किए कि कोई गड़बड़ उड़बड़ करके कोई ये करना देखना हो तो हम रास्ते पर देखना ही तो हम लोग का है पार्लियामेंट में सर अडानी को लेके स्पेसिफिक कोई बात बता देता है तो उसका तो फिर इंटरनली भी और जांच करवाते सर। पार्लियामेंट में अडानी को लेकर कई सारी बातें हो रही हैं और मांग भी हो रहा है सदस्यों के द्वारा, तो कुछ इधर सुने हैं देख रहे हैं,
उसका काम का कोई खास मतलब नहीं है तो दिखना चाहिए। अब तो आ ही गया, सबसे प्रकाश में आया है। छात्रावास का सेशन कब से शुरू होगा? छात्रावास का सेशन कब से शुरू होगा? सर किशनगंज में पैरामेडिकल खुल चुका है लेकिन स्टाफ की कमी है। अब तक जो है पैरामेडिकल कॉलेज स्कूल खुला है लेकिन वहाँ पे जो है टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, जिसके कारण विद्यार्थी परेशान है। नहीं है जी, एक भी नहीं है पैरामेडिकल। उत्तर तत्व भाई ये कह रहे हैं तो इसके साथ तब जानकारी है ना, तो उसको तुरंत देखना। ठीक 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 थैंक यू सर। तो आपने सुना कि किशनगंज पहुंचे सीएम नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी तो यही मकसद ही रहा है कि हम जगह जगह घूमें, लोगों से मिले और सिर्फ विकास कार्य को देखकर ही नहीं चले जाए। हम लोगों ने जो काम किया है सिर्फ उसको देखकर ही नहीं जाना हमारा मकसद है, बल्कि जितनी भी समस्या आ रही है उसका समाधान करना भी हमारा काम है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज़। धन्यवाद।